हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एरे के टॉपिक में कि हम वन डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, जिसके लिए हम ये देखेंगे कि हम वन डायमेंशनल एरे में एलिमेंट्स को कैसे इनपुट करेंगे, देन आफ्टर उस इनपुटेड वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था एरे, उसके टाइप्स, जिसमें हमने देखा था वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे एंड हाउ टू डिक्लेयर देम। आज हम देखेंगे कि अगर आपको ये वन डायमेंशनल एरे बनाना है तो सी में हम उस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए मैंने टर्बो सी का ऐप यूज किया है, जिसमें हम अपने सी के प्रोग्राम को बनाएंगे। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी हमने देखा था कि सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं कुछ हेडर फाइल्स को जो जरूरी होती हैं आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं stdio.h। ये एक हेडर फाइल होती है जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को सपोर्ट करती है। दूसरी होती है हैश इंक्लूड conio.h। conio.h का मतलब होता है जहां हमको आप इनपुट लेना होता है स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम conio.input यूज करते हैं, दैट इज फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। उसके बाद हम void main यूज करते हैं, जो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। आपका प्रोग्राम मेन से ही स्टार्ट होता है। अब हम कर्ली ब्रैकेट लगा के प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। चूंकि हमें बनाना है वन डायमेंशनल एरे, और ये वन डायमेंशनल एरे, दैट मीन्स हमने लास्ट अपने वीडियो लेक्चर में देखा था कि एक ही डायमेंशन में हमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमें एक एरे को डिक्लेयर करना है। सपोज वी वॉन्ट टू टेक एरे ऑफ इंटीजर टाइप, तो हम सबसे पहले लिखेंगे int, जो इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हम एरे का नाम देते हैं। सपोज मैंने एरे का नाम दिया है ARR। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम चूज कर सकते हैं। देन आफ्टर सबस्क्रिप्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं कि आपके एरे की लेंथ कितनी होगी, यानी कि आप उस एरे में कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। अब चूंकि आपको एलिमेंट को एरे में स्टोर करना है, तो आपको लूप की जरूरत को पड़ेगी, क्योंकि आप वन बाय वन एक एक करके एलिमेंट को स्टोर करेंगे एरे में। तो यहाँ सबसे पहले इंटीजर एरे के बाद हमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, सपोज इट इज आई, ताकि हम लूप को एग्जीक्यूट कर सके। उसके बाद हमने clr scr लगाया है। ये एक ऐसी फंक्शन है जो आपके स्क्रीन को क्लियर करेगी फ्रॉम द प्रीवियस आउटपुट। अगर आपने पिछला कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है, तो उसके आउटपुट को क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक मैसेज टाइप किया है कि एंटर एलिमेंट्स इन एरे। एरे में आपको एलिमेंट्स को इनपुट करना है, तो एलिमेंट्स को जब इनपुट करना होता है, तो जैसा कि हम सबको पता है, हम scanf यूज करते हैं। बट चूंकि यहाँ पे आपको 5 एलिमेंट इनपुट करने हैं, तो 5 बार scanf नहीं लिख सकते। इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू राइट द प्रोग्राम। तो हम एक लूप लगाएंगे जो i है वेरिएबल, जो 0 से स्टार्ट होगा एंड इट शुड बी लेस देन 5। जीरो से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, इसलिए जीरो से चलेगी और 4 तक जाएगी, इसलिए हमारी कंडीशन है i इज लेस देन 5। देन हम एक एक करके i की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। यहाँ फॉर का ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया, और इसके बीच में हम यूज करेंगे scanf। ये scanf चूंकि इंटीजर वैल्यूज को गेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने लगाया %d, और ये वैल्यू जो होगी स्टोर ARR ऑफ i में। इस लाइन की मीनिंग ये है कि आप अगर पहला एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, तो वो ARR के जीरो पोजीशन में जाएगी। जीरो पोजीशन मतलब वो फर्स्ट एलिमेंट है, और ARR ऑफ 1 जो सेकेंड एलिमेंट है, ARR ऑफ 2 जो थर्ड एलिमेंट होगा, ऐसे ही ARR 4 पोजीशन तक आप वैल्यू को इनपुट करोगे। जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी, आप लूप से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो इस तरह से 5 वैल्यू आप कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कर सकते हैं। आपकी वैल्यू इनपुट करने के बाद अब इन्हीं वैल्यूज को आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया वैल्यू ऑफ एरे r। आप वैल्यूज को अगर आपको डिस्प्ले करना है, तो वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए फिर हमको एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक करके वैल्यू डिस्प्ले होंगी। तो फॉर लूप में सेम लूप लगाएंगे, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, इट शुड बी लेस देन 5 और इट इज इंक्रीमेंटेड 1 बाय 1।
और इसमें हमें प्रिंट एफ की स्कैन एफ की जगह लिखना होगा प्रिंट एफ, क्योंकि इस समय आप वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ परसेंट डी। अगर आप स्लैश डी करेंगे तो एक एक टैब का स्पेस छूट के आएगा, तो दिखने में आपको अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने एक टैब छोड़ दिया है। अदरवाइज सब सटे हुए कैरेक्टर्स आएंगे, विच डजंट लुक गुड व्हेन द डेटा इज इनपुटेड इन योर आउटपुट स्क्रीन। तो इसके लिए हमने परसेंट डी स्लैश डी लगाया। अब वो कौन सी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, ए डबल आर के आइथ पोजिशन की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, यानी पहले वो जीरोथ पोजिशन को डिस्प्ले करेगा, फिर वो वन पोजिशन को, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव पोजिशन। उसके बाद यहाँ लास्ट में हमने लगा दिया गेट सी एच, जो कि आपके आउटपुट का वेट करेगा, आपके इनपुट का वेट करेगा आपको स्क्रीन में आउटपुट दिखाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। फाइल में जाइए, सेव करें, ये ध्यान रखेंगे जब भी आप सेव करेंगे डॉट सी जरूर लगाएंगे, अरे डॉट सी। आपका प्रोग्राम सेव हो गया। ऑल्टर एफ नाइन से आप प्रोग्राम को कंपाइल करिए। यहाँ पे आपके पास एक वार्निंग और चार एरर आ रहे हैं, देखते हैं क्या है। इलीगल कैरेक्टर स्लैश एन, ओके, यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ डबल कोटेशन लग गया है और ये स्लैश की जगह वैल्यू ऑफ एरे आर स्लैश एन। फिर कंपाइल करिए, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग, एक के कारण वार्निंग भी आ रहा था और एरर भी। कंपाइल करने का रन करते हैं कंट्रोल एफ नाइन से। अगर ये काम नहीं करेगा तो आप रन में जाके भी कर सकते हैं। यहाँ आ रहा है एंटर एलिमेंट्स इन एरे, जो हमने लिखा हुआ था अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ आप पांच एलिमेंट ही इनपुट करने देगा आपको सिस्टम, तो आप कोई भी पांच एलिमेंट इनपुट कर लीजिए। आप जैसे ही पांच एंटर एलिमेंट इनपुट करने के बाद एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा द वैल्यू ऑफ एरे आर। तो जितनी भी पांच वैल्यू आपने इनपुट की थी, वो पांचों वैल्यू आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। आप फिर से रन करके देख लीजिए एक बार, आप नई वैल्यूज दे दीजिए। ये पांच वैल्यू दी, एंटर किया, ये पांचों वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगी। अगर आप स्लैश टी छुट्टी लिखे हैं इसलिए टैब छोड़ रहा है, अगर आप स्लैश एन करेंगे तो न्यू लाइन आ जाएगी। रन करते हैं प्रोग्राम को। वैल्यू दे देते हैं, तो जो भी वैल्यूज हैं न्यू लाइन पे आएंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे वैल्यूज को स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। स्लैश टी एक ही रो में आएंगी वैल्यूज, विद द स्पेस स्लैश एन नेक्स्ट लाइन पे अगला एलिमेंट आपका डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से आप वन डायमेंशनल एरे को अपने सी लैंग्वेज में इनपुट भी कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।